हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक माई चैनल। आज के इस वीडियो में हम सूट की कटिंग करना सीखेंगे। इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये हमारी प्रिंटेड फैब्रिक है। अब इसे अच्छे से खोल लेना है और इसे 2 फोल्ड में करना है। देखिए, इसे हम 2 फोल्ड में करेंगे। देखिए, ऐसे हमने इसे 2 फोल्ड में कर लिया है। ये 2 फोल्ड में है और इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मेरी 2 फोल्ड में है। अब इसे हमें 4 फोल्ड करना है। देखिए, ऐसे हमने 4 फोल्ड कर लिया है। ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। अब हम इसकी लेंथ ले लेनी है। तो हमारी लेंथ 40 इंच है, तो 40 इंच पे लेंथ रखेंगे। हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। तब शोल्डर हम ले लेंगे, तो हम शोल्डर 7 इंच पे मार्क कर रहे हैं। ऐसे हम शोल्डर 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। शोल्डर 6 से 7 इंच पे मार्क कर सकते हैं। आर्म होल भी हम 7 इंच पे मार्क कर रहे हैं। आर्म होल 6 से 7 इंच पे आप मार्क कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत हैवी साइज की आप सूट कटिंग कर रहे हैं तो आप 7.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं आर्म होल के लिए। और इस तरह से 1.5 इंच हम आर्म होल के लिए टिक लगाएंगे बैक आर्म होल के लिए, और इस तरह से शेप दे देंगे। अब हम नेक 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी डिप हम 5 इंच ले रहे हैं और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसमें गले के लिए शेप दे देंगे। देखिए, गले के लिए शेप दे दिया है। फ्रंट और बैक गले दोनों हमारे साथ में हम कटिंग कर लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारी चेस्ट हमारी 40 इंच है, तो उसकी 4th पार्ट 10 होगी, तो हम 10 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। ऐसे हम 10 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम आर्म होल से यहाँ 7 इंच पे मार्क करेंगे कमर के लिए और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम कमर से लेकर हिप के लिए, हिप तक यहाँ 7 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि इस तरह से हमारी चेस्ट की मार्किंग हो गई है। इस पर हमने 10 इंच पे मार्क किया है। हम कमर पे मार्क करेंगे। कमर हमारी 36 इंच है, तो इसकी 4th पार्ट 9 होगी, तो 9 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो हमारी हिप 42 इंच है, तो इसकी 4th पार्ट 10.5 इंच हम 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। देखिए, चेस्ट हमारी 10 इंच पे मार्क करेंगे और हमारी कमर हम 9 इंच पे मार्क किए हैं, जो कि चेस्ट से 1 इंच कम है, और हमारी हिप 10.5 इंच पे मार्क किए हैं, जो कि चेस्ट से 1/2 इंच ज़्यादा है। और इस तरह से हम लाइन को इसमें जोड़ देंगे। देखिए, इस तरह से हम लाइन को जोड़ लेंगे। ऐसे हमने लाइन को जोड़ लिया है। अब हम 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। ऐसे ही हम 2 इंच पे टिक कर लेंगे। देखिए, अब इसे डार्क कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग की मार्किंग है और ये हमारी कटिंग की मार्किंग है और ये हमारी सिलाई की मार्जिन है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। हम बैक और फ्रंट दोनों की हम मेरी डीप 5 इंच पे हम रखे हैं, दोनों की हम साथ में कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम बॉटम पे मार्क करेंगे। देखिए, इस तरह से हम 1/2 इंच फोल्डिंग के लिए मार्क कर लेंगे और इस तरह से यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमारी बॉटम में फोल्ड होगी। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे।
अब हमारी यह मार्किंग हो गई है। अब हम फ्रंट आर्मोल के लिए मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हम हाफ इंच अंदर की ओर मार्क करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन में से मिला लेंगे। अब हम यहाँ हाफ इंच अंदर की ओर हम फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देंगे, ऐसे हाफ इंच अंदर की ओर करते हुए हम शेप दे देंगे ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर लेनी है, ऐसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे, मार्किंग पे हमें कटिंग कर लेनी है ठीक है, इस तरह से। और यहाँ भी हम ऐसे कप जो बंद है उसे हम खोल लेंगे। हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें हमारी स्लिप बनेगी, स्लाइड बनेगी यहाँ पे हमारी। देखिए इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है, इस तरह से हम यहाँ कट कर लेंगे जहाँ से हमारी चाप बनेगी, ये हमारी कमर की है। और हम यहाँ जो गले की भी कटिंग कर लेंगे, बैक और फ्रंट गले कटिंग हम एक साथ ही कर लिए हैं ऐसे। यहाँ बॉटम पे भी हम ऐसे कट लगा देंगे जहाँ से हमारी फोल्ड होगी ऐसे। देखिए इस तरह से हम हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इसमें से हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे, ऐसे हम बैक पार्ट को इसमें से अलग कर लेंगे। और इस तरह से हम इसमें आर्म होल को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है, फ्रंट आर्म होल की हमारी अब कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लिप्स की कटिंग भी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारी इसमें जो भी हमारी सूट में एक कपड़े बचे हैं इसमें हम स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे टू फोल्ड में कर लिया है। अब हम इसे फोर फोल्ड में करना है। इस तरह से हमने इसे फोर फोल्ड में कर लिए हैं। हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो हमारी ये हमारी फोल्ड फोर लेयर में है, देखिए ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो हमारी स्लिप्स की लेंथ 11 इंच है और यहाँ से 1.25 इंच पे हम बॉटम के लिए फोल्ड करेंगे। और इस तरह से हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ से हमारी फोल्डिंग होगी। अब हम स्लिप्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे। देखिए इस तरह से हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन। देखिए और यहाँ से भी हम ऐसे 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इस तरह से हम फिटिंग की बॉटम की जो फिटिंग है 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ मार्जिन ले लेते हैं और इस तरह से इस लाइन को यहाँ से टिक कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये मेरी मार्जिन की लाइन है, मार्जिन की लाइन है और ये हमारी सिलाई की है। अब हम इस तरह से इसमें स्लिप के लिए शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से हम शेप दे देंगे स्लिप्स के लिए इस तरह से। अब हम इसे इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, ऐसे हम इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए हमने कटिंग कर ली है। देखिए इस तरह से हमारी स्लिप्स की कटिंग हो गई है। देखिए मेरी दोनों स्लिप्स की कटिंग हो गई है। और इस तरह से इसमें हम फ्रंट स्लिप में इस तरह से गहराई दे देंगे, ऐसे हम इसमें गहराई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेनी है। सेम हम इसमें भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें गहराई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। देखिए हमारी स्लिप्स की कटिंग हो गई है। देखिए अब हम इसे खोलते हैं। देखिए इस तरह से हमारी सूट की कटिंग हो चुकी है और ये हमारी स्लिप्स की भी कटिंग हो चुकी है। थैंक यू।